हाय एवरीवन, माई सेल्फ कुलदीप। और आज से लगभग 3.5-4 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एंटर किया था, 3.5-4 साल पहले। और डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी और इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई, और बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ मैंने स्टार्टिंग से काम किया है। और आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक डिसीज़न लिया कि ओके लाइफ केयर के लीडर मेरे पास आए, मैंने ओके लाइफ केयर को समझा और ओके लाइफ केयर की टीम मैनेजमेंट से मिला। और ओके लाइफ केयर के उस समय पे किए गए ऐसे ऐसे वादे थे जिनको देखकर हमें ऐसा लगा कि वाकई में कि जो ये शख्स हैं जो इस कंपनी के एज अ सीईओ इसके अंदर हैं, मिस्टर डी के सारन सर, कि ये लाइफ में मतलब एक चीज़ें कहीं ना कहीं हम देख रहे थे। इनकी बातों से, इनके हाव भाव से हमें ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री में कुछ बढ़िया करेंगे, राइट। हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री में मतलब बढ़िया हो सकता है, अब जैसा इन लोगों का कहना था, राइट। जैसे मैं जब मिला था टॉप लीडरशिप से तो उनका कहना था कि हम इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री को चेंज करने आए हैं, राइट। बहुत सी कंपनियों की बुराइयां करी कि ये कंपनी ऐसा करती है वैसा करती है। और उस समय जो इन लोगों के सिद्धांत थे, जो इन लोगों की आइडियोलॉजी थी, वो आज बिल्कुल बदल चुकी है, जिस वजह से मैं ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहा हूँ और अब मैं ओके लाइफ केयर नहीं करूँगा। जैसा कि मैंने ओके लाइफ केयर जब ज्वाइन करा था, जो इन लोगों का मिशन था वो आज नहीं रहा, राइट। मैं जिस वजह से इनके साथ जुड़ा था वो कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो का भी सुन रहा है, इसको हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो ओके लाइफ केयर के अंदर गलत चीजें चल रही हैं, अनएथिकल चीजें हो रही हैं, वो चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं नहीं जानता इसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग, शायद ऐसा भी हो कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को अभी कॉल भी आए बहुत से लोगों की, राइट। लेकिन मैं बहुत टाइम से, मतलब लगभग पिछले 1 से 2 महीने से काफी डिस्टर्ब हूं और सोच रहा था कि आप लोगों के सामने आऊं, बोलूं या ना बोलूं। काफ़ी लोगों का मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने से, बट मैंने फिर अंदर से डिसीजन लिया कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूं सही चीज़ें बोल रहा हूं, राइट। सच बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत बोलूंगा, गलत बोल के मुझे कुछ नहीं मिलना, राइट। तो मैंने डिसीजन लिया कि जो भी आज नया व्यक्ति ओके लाइफ केयर में आ रहा है या आने की सोच रहा है, मेरे साथ जो हुआ वो उसके साथ ना हो, राइट। मैंने जब इस कंपनी की शुरुआत करी थी तो इन कंपनी के कुछ पॉइंट्स थे कि हम इन चीजों को इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाएंगे। जैसे कि मैंने देखा था कि बल्क परचेजिंग के, ये लोग कहते थे हम जो इंडस्ट्री में बल्क परचेजिंग होती है इसके खिलाफ है, इसको खत्म करवाएंगे, राइट। कि हम लोग ओके लाइफ केयर एक ऐसा कंडीशन फ्री प्लान बोला जाता था इसको, राइट, कि ये कंडीशन फ्री प्लान है, इसके अंदर कभी भी बल्क परचेजिंग के हम लोग हमेशा खिलाफ रहेंगे। जो लीडर बल्क परचेजिंग करेगा या करवाएगा उसकी आईडी टर्मिनेट की जाएगी और उसके अपलायन की भी आईडी टर्मिनेट की जाएगी, राइट। लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, जितना ज्यादा बॉस बल्क परचेजिंग ओके लाइफ केयर के अंदर होता है किसी भी कंपनी में नहीं होता है। आखिरी के जब क्लोजिंग बचता है, क्लोजिंग स्टार्ट होती है, क्लोजिंग के समय पे बॉस हर बंदे का कॉल पे कॉल आता है कि भाई इस बीवी जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, राइट, 90-90 पैसे में लोग बिजनेस वॉल्यूम को खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट तो हिलता ही नहीं है बॉस स्टोर से, राइट। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपलाइन है, अपलाइन को दिख रहा है कि मेरे नीचे मैचिंग आने वाली है, अगर ये मैचिंग 5,000 से या 10,000 से रह रही है और अगर ये हो जाती है तो मेरे भी पे आउट होगा और नीचे वाले के भी, तो उसको बल्क परचेजिंग करवा देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई चीजें देखो गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ा और मैंने इसमें काम किया, मैंने इसमें काम नहीं किया, एक तरीके से इसको जिया है बॉस, ओके लाइफ केयर को जिया है मैंने। इससे पहले मैं वेस्टीज कंपनी कर रहा था जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और मैंने उस समय वेस्टीज को क्विट करा और ओके लाइफ केयर में आया मैं। और मैंने डिसीजन लिया कि चलिए, जब मैं इन लोगों की बातें सुना, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं सर, इसके अंदर जो टॉप लीडरशिप है और जो इसके सीईओ हैं बॉस, इन लोगों के अंदर ना ऐसी कलाएं हैं कि ये इन कलाओं से किसी भी इंसान को मोह लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे कि उस व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि यार नहीं, यहां पे बहुत बड़ा हो सकता है। जो कल पैदा हुई कंपनी है उसके बारे में भी इन लोगों को सब पता है कि ये कंपनी में क्या बुराई है, और जो आने वाली इवेंट
वो भी बता देते हैं ये कि उसके अंदर क्या कमी है, उसके तो ऐसे हैं एमडी, उसके तो वैसे हैं, मतलब कुल मिला के क्या है कि हम लोग साधु संत हैं, बाकी सब बेकार हैं, राइट। तो इनके जो शुरू में जो इनकी बातें थी कि हम लोग साइड मेंटेन है, राइट, बहुत बोला जाता था कि हम जो साइड मेंटेन है उसको खत्म कर देंगे, राइट। बॉस, साइड मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा बल्क परचेज अगर किसी कंपनी में हुआ है, मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ ओके लाइफ केयर में हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ सभी लोगों से, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ओके लाइफ केयर का मैंने स्टोर लिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को दिखा सकता हूँ, मैं अभी स्टोर में बैठा हूँ, ये मेरा 5 लाख का स्टोर मैंने ओके लाइफ केयर से लिया था, राइट। 5 लाख की जो फ्रेंचाइजी होती है इनका, डीपीयूसी होती है, वो मैंने 2020 में फेब में जब मैं जुड़ा था, तो मई में मैंने ये स्टोर ओपन किया था। 5 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, और उस समय कंपनी का क्या पॉलिसी था कि जितना भी हेल्थ सप्लीमेंट है, मतलब एफएमसीजी को छोड़ के जो भी सप्लीमेंट आपके पास है वो हम लोग वापस ले लेते हैं अगर आपके पास वो सेल नहीं हो रहा है। उसके लिए कंडीशन क्या थी, एक्सपायर होने से 6 मंथ पहले, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीजें हैं सब वर्बली होती हैं, सब लीडर टू लीडर हो रहा है काम। कोई भी लीडर है वो बोल रहा है स्टोर खुलवाओ, स्टोर खुलवाओ, राइट। कंपनी के अकाउंट में 5 लाख डालो, 50 हजार की वैल्यू का सामान दे देती है वो, 4.5 लाख तो कंपनी को वैसे ही बच गया, 4.5 लाख रुपए कंपनी ऐसी बचा लेती है, राइट। अब इसमें क्या चल रहा है कि आज पॉलिसी जब चेंज हुई तो किसी को कुछ नहीं बताया गया, राइट। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि आज जितने भी ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में जब मैंने स्टोर खोला था लगभग 35 to 36, मतलब 35 से 36 स्टोर थे, आज दिल्ली में 2 से 3 स्टोर भी एक्टिव नहीं रह गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने स्टोर वालों की, मतलब यूं कह लो आप कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने रातों रात पॉलिसी बदल दी। इनका ये मानना है कि भैया अगर चलाना है तो चलाओ, नहीं तो बाहर में जाओ, हमने तो प्रोडक्ट दे दिया, वापस हम लेंगे नहीं, राइट। मेल डाल डाल के परेशान है, इन लोगों का कोई जवाब नहीं आता, ये लोग कोई हेल्थ सप्लीमेंट वापस नहीं ले रहे हैं। अब इनका कहना है कि प्रोडक्ट वही वापस होगा जो 1 महीने पहले ही बिल हुआ है, राइट। 1 महीने पहले, 1 महीने में मैं कैसे पता कर लेगा कोई स्टोर वाला कि ये प्रोडक्ट, 1 महीने में तो कोई प्रोडक्ट बिकने में भी थोड़ा समय लगता है अगर आप स्टोर में बाय करके रखते हो। इनका पहले कहना था एक्सपायरी से 6 मंथ पहले हम वापस ले लेंगे, ऐसा इन्होंने नहीं करा, जिसकी वजह से आज प्रॉब्लम ये आई है कि सारे स्टोर धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं। और आज अगर ओके लाइफ केयर में सबसे ज्यादा नेगेटिव माहौल पैदा हुआ है वो हुआ है इस कंपनी और इस मैनेजमेंट की ही वजह से, राइट। डीके सारन सर ने हमेशा बोला है बल्क परचेजिंग के हम खिलाफ रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बल्क परचेजिंग यहीं पे हुई है, स्टोर वालों के घर पे पीयूसी के नाम पे 50-50 हजार रुपए के नाम पे सेंटर बांटे गए जो लोगों के घर पे सामान पड़ा है। लोग डरते हैं बॉस कि बोले ना, क्योंकि इनकी तरफ से धमकी भरे कॉल आते हैं, राइट। लेकिन अब हम नहीं डरेंगे, बहुत हो चुका है। मैं ये सारी बातें आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और तमाम जितने भी वेस्टिजियन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बॉस आपकी टीम से जितने भी लोग ओके लाइफ केयर गए हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। आज हम लोग यूथ हैं, हमारा कैरियर है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। अगर हम लोग एज अ कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी वो चुनाव करना पड़ेगा जिसके एमडी, जिसके मैनेजमेंट की नीयत हो, राइट, नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ दे पाए। बॉस इस कंपनी का तो गारंटी नहीं है कोई कि नेक्स्ट जनरेशन तक ये चले भी या ना चले, बंद हो जाए, क्योंकि इसका तो क्लियर सा है इसमें सिर्फ सीईओ कमाएंगे और जो टॉप लीडर पे बैठे हैं वो कमाएंगे। जब हम लोग जुड़े थे लगभग, मैंने उस समय भी 2 से 3 महीने काम करके हमने देखा, हमने कहा सर बॉटम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ई कॉमर्स सिस्टम नहीं है। तो जब मैं ज्वाइन करा था मैंने फैब 2020 में, उस समय पे इन लोगों के कमिटमेंट थे लीडरों के कि बस 1 से 1.5 महीने में ई कॉमर्स लॉन्च होने वाला है, फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा, हमें फील्ड पे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ओके लाइफ केयर के अंदर मैं देख रहा हूँ सूट बूट पहन के, टाई पहन के एक व्यक्ति अपने बैग में डिटर्जेंट सोप भर के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक उम्मीद है कि मेरा नेटवर्क बिल्ड होगा, कल को मेरे को इनकम आएगी, राइट। लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कंपनी की नीयत ही नहीं है बॉस देने की, राइट। मैं हमेशा ये सोचता था कि ई कॉमर्स लॉन्च होगा और काफी सहूलियत होगी, हम लोगों ने नेटवर्क बनाने पे ध्यान दिया, कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि कोई बात नहीं, नई कंपनी है, कुछ चैलेंजेस आएंगे जो हमें उठाने भी पड़ेंगे, तो हम लोगों ने हमेशा साथ दिया, फील्ड पे गए हैं, अपने पेट्रोल से अपने कन्वेंस से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ वादे थे, ये हमेशा कहते थे प्राइस वॉर, राइट, कि प्राइस वॉर करेंगे। इनका एक चीज कहना था कि हम लोग जो प्रोडक्ट है प्रीमियम क्वालिटी में
अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाएंगे, राइट। अफोर्डेबल प्रोडक्ट मतलब सर क्या कहना चाहते हो आप? आपके अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं, जो आपका पेस्ट है ओके स्माइल, उसमें से पानी निकलता है, राइट। गर्मियों में वो ऐसे निकलता है कि प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और सर्दियों में वो निकलता ही नहीं है, राइट। आज अगर क्वालिटी की बात कर रहे हो, आपने बीबी क्रीम लॉन्च किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट आप, मैं आपको दिखाता हूं प्रोडक्ट। आज ये बीबी क्रीम है, ये देखिए बॉस कैसे बज रही है, राइट। इसके अंदर लिक्विड है, अगर मैं इसे अभी ओपन करता हूं ना तो ये ऐसी गिरने लगेगा, तो ये किस चीज की क्वालिटी है, राइट। आप कंपेयर कर रहे हो भारत की नंबर वन कंपनी से, कंपटीशन करेंगे हम क्या? ऐसे कंपटीशन करेंगे ऐसी क्वालिटी देके? जिसको एक बार दे दो वो व्यक्ति गाली देता है फिर कि क्या चीज दे के चले गए हो। तो इन चीजों पे कंपनी सुधार नहीं कर रही है, राइट। लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पे। प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट में अच्छी अच्छी कंपनियां 60% बिजनेस वॉल्यूम देती है, ये इकलौती कंपनी है जो बिजनेस वॉल्यूम घटाते जा रही है। अब इनका क्या कहना था? इनका उस समय पे कहना था, जिस बात को लेकर मैं सबसे ज्यादा, मतलब मुझे एक चीज का गर्व था कि मैं उस कंपनी के अंदर हूं कि जिसके सीईओ की नीयत बहुत अच्छी है। इनका कहना था बॉस कि हम लोग जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है टर्नओवर भी बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम किसी प्रोडक्ट को, सपोज कीजिए प्रोडक्ट है, इसे अभी हम 1 लाख क्वांटिटी में बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो इसकी कॉस्ट हमें लेट्स सपोज कि 100 रुपीज आ रही है, राइट। जब यही हमारा 10 लाख बनेगा, 1 करोड़ बनेगा, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो घट के 6 रुपए या 7 रुपए आ जाएगी। तो जो 3 रुपीज का, 3 रुपए या 4 रुपए का मार्जिन बचेगा वो हम अपने पास ना रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे। तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि इनकी नीयत बड़ी, मुझे उस समय लगा कि नहीं यार इनका ऐसा कहना है। अगर कोई व्यक्ति इतने नेक इरादों के साथ इस कंपनी को आगे ले जाना चाहता है, तो अगर ऐसी घड़ी में और ऐसी कंपनी में हम लोग साथ ना दें ऐसे व्यक्ति का, तो ये बहुत गलत होगा फिर, राइट। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया और स्टार्ट किया, और जब हमने देखा आज इस कंपनी के जो MD की नीयत बिल्कुल बदल चुकी है, राइट, प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम घटाते जा रहे हैं। ये इनका कहना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो सर इस बहम में मत रहिएगा, बाकी मैंने अगर देखूं भारत की नंबर वन कंपनी वेस्टीज से आया था, और उस कंपनी के प्रोडक्ट के आगे इसके प्रोडक्ट सर कुछ भी नहीं है, राइट। क्वालिटी के अकॉर्डिंग में अगर मैं आपको बता दूं, उसका जो आप सोप से कंपेयर करते हो ना कि ये 40 का है, ये 25 का है, तो सर हमारा जो ओके लाइफ केयर का सोप है, इसकी जो पिघलने की स्पीड है ना, ये आइसक्रीम को भी कुछ दिन बाद पीछे छोड़ देगी। और क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है, राइट। हम लोग जैसे शुरू में जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को भी आज घटा दिया गया। पहले जो हम लोग क्वालिटी यूज कर रहे थे, उस क्वालिटी को भी आज धीरे धीरे कम कर दिया गया। इनका कहना था कि हम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस को घटाएंगे या फिर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जबकि आज ऐसा हुआ है लोगों ने साबुन की परचेजिंग करी है स्टोर से, जिसमें उनको 6.25 BV मिला, और इन्होंने उसको बिना स्टोर वालों से पूछ के, जबकि वो प्रोडक्ट अगर कोई 6.25 BV पे खरीद चुका है, तो इनको किसने अधिकार दिया कि उसका बिजनेस वॉल्यूम कम कर दें? नई परचेजिंग पे करते हो तो समझ में आता है, पुराने की भी आपने कर दी, राइट। अब इनका कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। जैसे इनका कहना था कि हम इंटरनेशनल वेबसाइट बनाएंगे, इंटरनेशनल हमारी ऐप होगी जिसके अंदर से कस्टमर प्रोडक्ट खरीद सकेगा, राइट। ऐसी ऐसी चीजें, और सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा कंपनी के मैनेजमेंट से मिलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप वहां पे मॉर्निंग में जाते हैं हम लोग 10 बजे, वो लोग अगले दिन तक रुकवा देते हैं, ये लोग बिठा बिठा के रखा हुआ है इन्होंने लोगों को, राइट। जैसे ये कंपनी में मतलब एज अ सीईओ नहीं, सेलिब्रिटी है, राइट। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी गौरी खान मैम है, उनसे प्रमोशन कराया जा रहा है, रणदीप हुड्डा जी, चलो सर वो तो आपके मैं मानता हूँ फ्रेंड में थे, गौरी खान जी आपके कौन से सर्कल में थी? आप जो पैसा इन लोगों में बांट रहे हो, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं डाल सकते आप नीचे? लेकिन नहीं सर, नीयत नहीं है इनकी। इनका कहना है हम 100% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। अगर आप देखोगे अभी भारत की नंबर वन कंपनी है, लगभग 60% बिजनेस वॉल्यूम देती है, और 60% का अगर 60% बांट रही है ना, तो 36 रुपए बांटती है। और ये हमारे माह से अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, उस पर बिजनेस वॉल्यूम देंगे 30%, और बांटेंगे कितना जी, 100% बांट देंगे, तो भी तो 30 रुपए बांटा आपने, और उसमें भी आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो अलग से आप 2 लाख और खोलो। आपका कहना था कि हम लोग फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान, डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने ये बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के लोगों से, जब हम हयात रेजिडेंसी होटल में थे गुड़गांव, तो उसके अंदर खूब चिल्लाया है, मतलब फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान सोशल मीडिया पे लिख दो, प्रमोशन करो इसका। बॉस सबसे पहली बात तो
2 लाख का जनरेशन प्लान आप नहीं लेके आए, इससे पहले भी आ चुका है। दूसरी बात, आज आप ये चीज कह नहीं सकते हो क्योंकि आप खुद 4 लाख पे आ गए हो, ठीक है। आपने बोला ई कॉमर्स सिस्टम लाएंगे, ऐप लाएंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात सर, मैं 1 साल से मैनेजमेंट से मिल नहीं पाया, जब भी जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नहीं बहुत बिजी रहते हैं सारंग सर, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की प्लानिंग की जा रही है भैया। उसी समय पोस्टर आ गया था नेपाल कमिंग सून, कहाँ है सर नेपाल? आप कह रहे थे यूके में आ गए हम, कहाँ है सर यूके? आप उत्तराखंड में तो कर लो पहले सही से, यूके तो बाद में जाना। अब क्या पता कुछ लोग बोले हम तो उत्तराखंड वाले यूके की बात कर रहे थे, राइट। अब यहां पे क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, लगभग आज से सारंग सर का, डीके सारंग सर का बर्थडे था उस दिन, रेड कलर की उन्होंने स्वेटशर्ट डाली हुई थी और एक वो गमछा डाला हुआ था। तो हम लोग वहां पे गए, सर से मिले, राइट। लगभग एक दिन पहले हम सर के पास गए, बकायदा हमने कहा यार सर को, हमारी कंपनी के सीईओ हैं, इनको सेलिब्रेशन करते हैं, सर का बर्थडे है। वहां पे गए, इन लोगों का पहली बात तो मिले ही नहीं हमको, राइट। इनका कहना है टीम जो मैनेजमेंट की तरफ से लोग रिसेप्शन पे बिठाए हैं, जो आधे गवार लोग हैं, राइट, वो मैं गवार ही कहूंगा उन्हें, उन्हें कोई तमीज नहीं है लीडर से बात करने की, राइट। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ है ही नहीं, अभी बिजी है बहुत। और जब हम लोग इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया, अगले दिन वहीं पे महामाया फ्लाईओवर पे होटल है, उस पे हम लोग रुके, बकायदा पैसे खर्च हुए पूरी टीम के, जो हमारे अपलाइन थे उन्होंने पूरी टीम को रुकवाया, राइट। वहां पे हम लोगों ने वेट किया, और वेट करने के बाद अगले दिन फिर से मॉर्निंग में गए, और वापस से मॉर्निंग से सर इवनिंग हो गया। और इवनिंग में जब हम सर से मिले, हमने सर को विश करा हैप्पी बर्थडे सर, और उसके बाद हमने उनको मिठाई और केक वगैरह दिया। अगले व्यक्ति का क्या जवाब था कि इसे रखवा दो स्टाफ रूम में और स्टाफ को दे दो उसको, राइट। उन्होंने मतलब एक तरीके से हम लोगों का जो 2 दिन से वेट कर रहे हैं, मतलब कोई इज्जत हो गया था। हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिला, और उस 2 मिनट के टाइम में जब हम लोग बैठे थे तो यूपी गाजीपुर की एक टीम आ रखी थी। तो एक तो क्या है, मैं ज्यादातर देखता हूँ लोग इनसे डरते हैं, पता नहीं किस बात पे डरते हैं। मैंने इनसे पूछा कि सर इफ यू डोंट माइंड मैं कुछ क्वेश्चंस है पूछ सकता हूँ आपसे, तो इन्होंने कहा बिल्कुल पूछिए। मैंने कहा सर हमारा ई कॉमर्स कब तक आ जाएगा, तो इनका कहना था ई कॉमर्स है तो सही, क्या आप फॉर्म भर के डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भर के आपको आईडी लगता है, आईडी आप वेबसाइट से लगाते हो, है तो सही ई कॉमर्स। मैंने कहा सर मेरा ये मतलब नहीं था ई कॉमर्स से, मेरा कहने का आपको मतलब है कि यदि हम सारे सर नेटवर्कर हैं, हम जाके नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और एक कस्टमर उस वेबसाइट पे विजिट करके या उस एप्लीकेशन से इजीली उस प्रोडक्ट को बाय करके अपने घर पे मंगा ले, राइट। वो प्रोडक्ट घर पे इजीली मंगाएगा तो फील्ड पे जो एक लीडर है, एक नया जो न्यू कॉमर्स आता है 2500 मैच करता है, उसको 200, 250, 300 रुपए बनता है, उससे ज्यादा तो उसके फील्ड पे खर्चे हो जाते हैं, तो वो पैसा उसको कहां से बच रहा है, राइट। तो हमने कहा सर वो सहूलियत हो जाएगी और सबको इजी हो जाएगा और कंपनी और तेजी से ग्रो करेगी। तो बॉस इनका जवाब सुनिए, गौर से सुनिएगा इनका मेरे को जवाब क्या मिला। पहले तो इन्होंने अजीब सी शकल बनाते हुए मेरे को जवाब दिया कि अगर ई कॉमर्स भी हम ही लेकर आए, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंपनी ही कस्टमर तक पहुंचा दे, राइट, समझ रहे हो। इनका कहना है कि कंपनी ही अगर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दे तो आप लोगों की यहां पे जरूरत ही क्या है, हम क्या डिलीवरी बॉय हैं? अगर ऐसा ही है तो मेरी जो टीम है उनको, उसको मैं इससे बढ़िया कहूंगा आप स्विगी कर लो, जोमैटो कर लो, जो उसके अंदर काफी प्रॉब्लम रही, फिर भी हमने जहर, एक तरीके से जहर का घूट पिया और यहाँ पे कंपनी के साथ खड़े रहे। जितनी कंट्रोवर्सी, जितना नेगेटिव ओके लाइफ केयर के लीडरों को मार्केट में सुनने को मिला है, किसी भी कंपनी के लीडर को आज तक सुनने को नहीं मिला। इन्होंने कहा बॉस मेरा एक सवाल था, मैं टॉप लीडरशिप है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उनसे कहा कि मैम बहुत लीडिंग लेडी है, मैंने उनसे बोला मैम ऐसा क्यों नहीं है कि स्टोर जो है उनको वैसे ही लॉस है, कि अगर हम लोग स्टोर हट जाए जिन लोगों को लॉस हो रहा है, राइट। अब सपोज कीजिए किसी ने 5 लाख का स्टोर लिया, जैसे कि मैंने ही लिया है, और यहाँ पे कोई सेल नहीं है इस एरिया में, तो मैं कंपनी को यदि प्रोडक्ट वापस करता हूँ, कंपनी कह रही है जी हमारा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, सेल बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो रही है दिन बर दिन, हर महीने हम लोग ना 1% को क्रॉस कर रहे हैं, 10% की 20% की ग्रोथ बताई जा रही है, तो आप जो मेरे पास से प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, इस प्रोडक्ट को इस स्टोर से लेके यार उस प्रोडक्ट को वहां पे भिजवाओ ना जहां से वो सेल हो जाएगा। आप तो कह रहे हो हम कुछ वापस ही नहीं लेंगे, अब इसका परिणाम क्या निकलता है, आप दूसरी कंपनियों को तो कह रहे थे उंगली उठा के कि इस कंपनी के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आधे दाम में है, आज आप जाके देखो ना आपके प्रोडक्ट किस दाम पे बिक रहे हैं।
माई 90 बॉस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओके फिटनेस, ये 595 रुपए की है, ये 200 रुपए में बिक रही है, 200 रुपए में, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ब्यूटी फ्यूल है 1500 का, 1500 का है ये बॉस, ये 700 रुपए में, 500 रुपए में लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको अपना सामान निकालना है, ये लोग वापस नहीं ले नहीं रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, फील्ड पे एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। उसमें भी ये कह रहे हैं स्टोर वालों की गलती है, स्टोर वालों की गलती नहीं है जी, उसने 5 लाख रुपए लगाए, उसने आप लोगों पे भरोसा किया, यही उसकी गलती है, राइट। इनका कहना था हम स्टोर वालों को कमवाना चाहते हैं, कमवाना नहीं चाहते हो भाई साहब, आप अपना कमाना चाहते हो और स्टोर वालों को डुबाना चाहते हो। लोगों का जो पैसा है ना, आप लोगों ने उसी पैसे से वो जहाज बनाया है, जो वहां पे बड़ा सा ऑफिस बनाया ना, जंगल झाड़ में किसी काम का नहीं बॉस वो, उसके अंदर अगर जाओ ना स्टाफ इज्जत तक नहीं देता है एक लीडर को। इन्होंने प्रोडक्ट के पोस्टर पे पोस्टर लॉन्च कर दिए कि हम ये प्रोडक्ट लाए हैं, हम वो प्रोडक्ट लाए हैं, राइट, हम शेक लाएंगे, हम कॉफी लाएंगे, हम ये लाएंगे, वो लाएंगे, हम चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, नमकीन, आप बोल के गए थे ना जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम हुआ था हमारा, उसमें भी आपने बोला था, यही सारी चीजें रखी थी हमारे आगे कि एक तरफ प्रोडक्ट होगा बिकने वाला और एक तरफ होगा बेचने वाला, राइट। आपने यही तो कमिटमेंट करी थी ना सर, उसमें आपने बोला टॉफी आएंगी, बिस्किट्स, चॉकलेट, नमकीन, ये सारे प्रोडक्ट हम लोग लाने वाले हैं। कहाँ है सर वो प्रोडक्ट, कहाँ है, राइट। क्यों झूठ बोलते हो इतना, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रखा है आपने। हम लोग, हमारी जो अभी एज है, हम लोग ट्रस्ट करके इस कंपनी में आए, ऐसे मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूथ आज इस कंपनी के साथ जुड़ा है, क्यों इन सबका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। आपने तो जितनी सर्कुलेशन कंपनियां चलानी थी पैसा बना लिया, आज ये सारे लोग, कल को आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, पैसा कमा के टॉप लीडर कमा लेता है पैसा, टॉप लीडरशिप के बाद कंपनी बंद हो जाती है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, हिंदुस्तान का लॉ ऐसा है, केस चलता ही रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, और एक तो क्या है, इनके अंदर ईगो बहुत है, प्रोडक्ट के पोस्टर निकाल देंगे, डेढ़ डेढ़ सालों से उनको लॉन्च ही नहीं करना है। एग्रीकल्चर कहने वाले थे हम वो रेंज निकालेंगे, पूरे भारत में किसी कंपनी के पास नहीं होगी बॉस एग्रीकल्चर, अब आपने मना ही कर दिया कि क्या बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में एग्रीकल्चर लाना ही बंद हो जाएगा, बैन है, तो इसलिए हम अभी से ही हमने मना कर दिया। अभी नई कंपनी खुली है 1 साल पहले, राइट, उसके अंदर एग्रीकल्चर की रेंज देखो आप जाके, आप शॉक्ड हो जाओगे। अब मैं उस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना उस कंपनी में जा रहा हूं, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, राइट। ईगो इनके अंदर इतना है, कोई व्यक्ति इनके टेबल पे बैठता है, मेरी टीम से व्यक्ति ने पूछा, लोग पूछते हैं कि भैया ये पॉइंट वैल्यू जो है, जो हमारे महान टॉप लीडर हैं, जो अपने आपको कैलकुलेशन गुरु कहते हैं, जिनका मानना है कि उन्होंने भैया 150 से 200 कंपनियों के बिजनेस प्लान डिजाइन करे हैं, राइट, इतनी नॉलेज है उनको, उनका ये कहना है कि मेरे आगे प्लान ला के रखो, मैं उस प्लान का फ्यूचर बता दूंगा। इन्होंने क्या बोला था, 2 लाख का प्लान कभी क्रैश नहीं करेगा हमारा, क्योंकि हमारे प्लान में पॉइंट वैल्यू जो होती है वो टोटल टर्नओवर से निकाल के नंबर ऑफ अचीवर से डिवाइड करके जो पॉइंट वैल्यू निकलता है वो होता है, और वो कभी क्रैश नहीं करेगा, राइट। इन्होंने यही इनका कहना था, इनका कहना था सर जब मैं ज्वाइन मैंने किया था तो 300 रुपए पॉइंट की वैल्यू बताई जाती थी, उसके बाद वो 280 हुआ, फिर सर ने मीटिंग में आके दावा ठोक के बोला कि इससे कम नहीं जाएगा, राइट, 270 भी गया, 250 भी गया, राइट, उससे नीचे भी आया वो, फिर इन्होंने कुछ परसेंट 2% डाल के उसमें और बढ़ा दिया उसे। ये प्लान नहीं होता बॉस, आपको मतलब खुद को कैलकुलेशन नहीं पता थी, आज आपने बोल दिया कि प्लान क्रैश कर रहा था, पॉइंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें अलग से 2 लाख डालनी पड़ी, तो उस समय आपने क्या बोला था, क्या समझू मैं, कौन सा सस्ता नशा आप लोग करते हो, जो आप लोग कुछ भी हवा में आके बातें कर देते हो, आपको अपने पे आउट बनाने से मतलब है, नीचे वाला कुछ भी करे बेचारा, राइट। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोगों से, हाथ जोड़ के कहता हूं, जिस भी व्यक्ति को जो भी नेटवर्किंग कर रहा है, जिस किसी को भी लगता है ना कि अब बस बहुत हो गया, अब नेटवर्किंग से बाहर होना है, वो ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर ले, वो बाहर हो जाएगा भाई, वो यहां पे आके बर्बाद हो जाएगा, राइट। पॉइंट वैल्यू उनकी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से अभी इन्होंने 4 लाख पे शुरू किया है ना बॉस, ये 6 लाख भी होगा देखना, बहुत जल्दी आपको सुनने में आ जाएगा। इस कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दूसरों की प्लांट में जाके ये लोग जगह बना रहे हैं, राइट, वीडियो बना रहे हैं वहां पे कि हमारा प्लांट है, बाद में पता चलने पे कहते हैं वो तो हम ऐसे ही चले गए थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है इनके पास, ये बाहर से प्रोडक्ट बनवाते हैं, राइट, जहां से अदर मैन्युफैक्चरिंग से बना रहे हैं, और झूठ बोला जाता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये चीजें बन रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी में मैं जब आया था ना, तो इसमें कहा जाता था कि ये वो कंपनी है जिसके अंदर सेटिंग नहीं दी जाती,
अब ये वो लोग समझेंगे जो नेटवर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से, लेकिन भाई आप सभी लोगों को ना दावा कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा सेटिंग ही इस कंपनी में मिलती है। इस कंपनी के अंदर जो लीडर आए हैं ना, जितने भी आए हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, जितने भी इधर आए हैं, राइट, सब ने सेटिंग, एक इकलौता मैं बता रहा हूं, कुछ लीडर हैं जिन्होंने कभी मतलब नहीं लिया कुछ। जैसे कि मैं आया, मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे यही आदर्श बताए गए कि भैया यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता, वैसा नहीं मिलता। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं वो इंसान हूँ जो अपने दम पे काम कर लेगा, राइट। मैंने वेस्टीज के अंदर अगर काम किया, 5 महीनों में एक अच्छा लेवल हासिल किया था, ठीक है, और मैं यहाँ भी आके कर जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे आए, इनकी जो कमिटमेंट थी उस पर नहीं उतरे। सबसे ज्यादा सेटिंग इस कंपनी में दी जाती है। इस कंपनी में स्पेशली जो लीडर होते हैं ना, वो 4 दीवारी के बीच ना जो ट्रेनिंग लेते हैं, टॉप लीडर की बात कर रहा हूं मैं, उनकी बात नहीं कर रहा जो अभी 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं। टॉप लीडर बॉस जो कहते हैं हम मतलब इंडिया में 5th 4th नंबर पे अर्नरों में आते हैं, राइट, वो लोग लीडर तोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं कि एक लीडर को कैसे तोड़ा जाए। हम उनसे पूछ रहे हैं नए व्यक्ति पे कैसे काम करो, अरे नहीं, ऐसे कैसे ग्रोथ हो जाएगी आपकी, आपको एकदम फास्ट ग्रोथ चाहिए, लीडर तोड़ो। कौन सी कंपनी के? नंबर 1 कंपनी के तोड़ो, राइट, मोदी केयर के लीडर तोड़ो, वेस्टिज के लीडर तोड़ो। तो यही चल रहा है। और जिस किसी को भी नए व्यक्ति पे काम नहीं करना, लीडर तोड़ अभियान में शामिल होना है, ओके लाइफ आ जाए। जिसको भी ना ट्रेनिंग लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट लीडर तोड़ने की, कि कैसे लीडरों को तोड़ा जाता है, कैसे किया जाए, क्या किया जाता है, वो ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर ले, वो सब सीख जाएगा 1 साल में, राइट। यहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बिल्कुल जीरो एजुकेशन के नाम पे जीरो है। क्या सिर्फ क्या दिखाया जाता है? अगर आप अपने अपलायंस से पूछोगे सर फील्ड पे हम कैसे अपना काम करें, राइट, फील्ड पे काम कैसे किया जाए, तो यहाँ पे एक चीज आपको बताई जाएगी, सस्ता इसका महंगा हमारा, सस्ता इसका वो महंगा हमारा, ये सस्ता, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत से लोग छोड़ छोड़ के फरीदाबाद वाली कंपनी में चले गए, उसका भी मैं किस दिन लाइव आके बताऊंगा आपको क्या सेटिंग चल रही है उसके अंदर। वो ओके लाइफ केयर पार्ट 2 है, राइट, इसका भी बाप है वो, उसके अंदर तो अभी तो शुरुआत है, अभी आगे जाके देखो आप क्या क्या होता है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, जिस किसी को भी एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करना है, वो एक तो ये कंपनी और एक फरीदाबाद वाली, इसको तो भैया माइंड से निकाल देना, सोचना भी मत इसके बारे में। अगर आप सोच भी रहे हो ना तो भी बर्बाद हो समझो, राइट। इस कंपनी के अंदर आज की रेट में सबसे ज्यादा सेटिंग दी जाती है, सबसे ज्यादा बल्क बाइंग होती है, राइट, बिजनेस वॉल्यूम बिकता है बॉस, प्रोडक्ट रखे रह जाते हैं स्टोर पे, एंड में कॉल आता है जैसी क्लोजिंग होती है। और एक नई बात और बता दूं, हम लोग आज से लगभग 6 7 महीने पहले रात में क्लोजिंग हो गई, 0 शो कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, और मेरी जान, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी किसी से देखो पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बस मैं एक सच आपके आगे रख रहा हूं। उन्होंने उनका कुछ बीवी से एक मैचिंग कम रह रही थी, राइट, हमारे इसमें एक स्लैब होता है 50,000 50,000, उसमें लगभग दो दो 3 हजार से बिजनेस वॉल्यूम से वो रह रहा था, तो वो बिलिंग मतलब सॉफ्टवेयर से क्लोजिंग हो चुकी है उसके बाद की गई, राइट, वो उसके बाद की गई, और उसके बाद कंपनी में कॉल किया जाता है और कंपनी के जो सीईओ है उनका ऑर्डर आता है कि कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए क्लोजिंग, समझ रहे हो, वो नेक्स्ट मंथ में चढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पहले महीने में चढ़ा दिया, उसके बाद दोबारा 0 कर दिया। यार आप एथिकल की बातें कर रहे हो, सबसे बड़े अनएथिकल तो आप लोग हो। आप लोग कह रहे हो यहां पे आईडी एक्सचेंज नहीं होती, होती है बॉस आईडी एक्सचेंज, किसने बोला नहीं होती? कुछ लोग अभी फरीदाबाद चले गए हैं, राइट, फरीदाबाद जा जाके कह रहे हैं अब हम करेंगे, धमाल मचाएंगे, ये करेंगे, सबसे बड़ी सेटिंग बाज कंपनी है वो, ऑफिस में होकर आया हूं, राइट, मैंने चीजें देखी है। आश्रम में होता है ना, जब वो लगता है जो बैठे होते हैं वहां पे, वो आशीर्वाद देते हैं स्वाहा, और साइड में पूछते हैं कितनी कलेक्शन इकट्ठी हुई, वही वाला हाल है। बाहर से जो रूप दिखाया जा रहा है वो अलग है, राइट, बाहर से जो रूप था ना बॉस, उसी की वजह से मैं 1.5 साल पहले ओके लाइफ केयर का मैंने डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन आज मैं समझ चुका हूं कि ये सबसे बड़ी लाइफ में, मैं गलती तो नहीं कहूंगा लेकिन सबसे बड़ा सबक, क्योंकि आज अगर मैं अच्छे बुरे में एक अंतर कर सकता हूं ना, डिफरेंस में देख सकता हूं कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो बुरा मुझे यहीं से सीखने को मिल गया, अब लाइफ में आगे से गलती नहीं होगी, राइट। यहां पे एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, और आपको सच्चाई बता रहा हूं, अभी तक, अभी भी 1 महीने पहले ये प्लान बुक वगैरह प्रोडक्ट बुक इन्होंने छपवाई है,
नहीं तो इनका कुछ अता पता नहीं था। क्यों डरते थे बॉस? इनको पहले से पता था कि ये प्लान एक दिन क्रैश करेगा और इस प्लान को 4 लाख पे हमें डालना पड़ेगा, राइट। तो इन्होंने कभी बॉस प्लान बुक कंपनी की तरफ से आया ही नहीं कि जिसके अंदर प्लान हो और उसमें पॉइंट वैल्यू हो। और जब मैंने एक हमारे रमन झा जी हैं वो इस बुक को छापते थे, राइट, उन्होंने भी अपना एक बिजनेस बना रखा है कि भैया बुक छाप छाप के देनी है, राइट, वो प्रिंट करवा के देते थे और हम लोग उस बुक को रखते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, एक लीडिंग लेडी है मिस्टर सोनम जायसवाल मैम, उन्होंने बोला कि पॉइंट वैल्यू ही हटा दो उसमें, मतलब लिख दो कि टर्नओवर से इतना इतना होके इतना इतना मिलेगा। टर्नओवर किसी को आज तक बताया नहीं गया, जो टर्नओवर उल्टा पूछता है ना उसको क्या जवाब दिया जाता है, आप अपने काम से मतलब रखो, राइट। टर्नओवर जान के क्या करोगे आप, कितनी सेल है आपकी, कितना बड़ा पे आउट दे रहे हो बताओ कंपनी को। मैं कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति 2500 की भी मैचिंग करता है ना, वो भी जानने का अधिकार रखता है बॉस की कंपनी का टर्नओवर कितना है। नंबर वन कंपनी ना चिल्ला चिल्ला के बताती है टर्नओवर, स्लाइड पे दिखाया जाता है। हमारे यहां पे सिर्फ लीडर, एक लीडर बता रहा है इतना, एक लीडर बता रहा है उतना। जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया तो उस समय बोला गया कि जो कंपनी के सीईओ हैं वो वेल, इतने मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है, डायरेक्ट सेलिंग के भगवान है, उन्हें 20 साल से 22, कोई कह रहा है 22 साल, कोई कह रहा है 25 साल, कोई कह रहा है 20 साल। जब मैंने उनकी देखा मैंने कहा इतनी तो उनकी एज भी नहीं है, लेकिन झूठ पे झूठ, चलो मैंने कहा इसको डन रखते हैं 20 साल, 20 साल आगे हम लोग बताएंगे, राइट, आप 22 कह रहे हो 20 बताएंगे। उसमें इनका कहना था कि पिछली कंपनी में इनका पे आउट, एक लीडर ने मुझे बोला 90 लाख रुपए था। तो भैया इंडस्ट्री में आपका नाम ही नहीं है, जिनका 90 लाख है उनको दुनिया जानती है, राइट। फिर एक लीडर ने बोला कि भैया 45 था, मैंने कहा अचानक आधा हो गया, चलो कोई नहीं 45 तो था, हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा था, राइट। 45 लाख रुपए सर अगर आपका पे आउट था तो आपने जब 2016 में कंपनी स्टार्ट करी तो आपके साथ की लीडरशिप कहाँ है? आज अगर मैं बात करूं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, 1 साल पहले कंपनी की शुरुआत हुई है, राइट, साउथ से 42 लाख की टॉप इनकम रही है उनकी, वो कंपनी शुरुआत हुई और आप जाकर देखिए उसका टर्नओवर वो कैसे हो गया, लीडरशिप गई ना साथ में। हालांकि वो प्लान भी लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिसको कॉपी किया है उसका आज बाजा बज गया, उसका भी बहुत जल्दी बाजा बजने वाला है, समझ रहे हो। तो मैं एक चीज जानता हूं कि आज की डेट में मैं एक चीज समझ चुका हूं कि 2 लाख का जो प्लान है लॉन्ग टर्म नहीं है बॉस। वो अगर आपको एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना है ना, तो एक ऐसी कंपनी चुनिए जो कंपनी ये नहीं कह रही कि हम करेंगे, साबित करेंगे, जो कर चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो मैंने ये चीजें देखी, सवाल किए, सवालों की कोई यहां पे कोई जवाब नहीं देता, राइट। आपकी टीमों में एजुकेशन नाम पे 0 है। ओके लाइफ केयर के लीडर को कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ एक चीज आता है, 13 साबुन 40 का, मेरा साबुन 25 का, राइट। मेरे पास नूडल है, तेरे पास क्या है, वो यही बोलता है। उसे अगर पूछोगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या 9 core rules हैं, राइट, क्या कार्डिनल रूल्स हैं, कुछ नहीं पता उसको, समझ रहे हो। प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, बहुत सस्ता महंगा खेल रहा है वो, इसलिए यहां पे किसी का भला नहीं हो रहा। प्लान के अंदर पैसा बांटने की बजाय ये लोग सेलिब्रिटी को पैसा बांट रहे हैं, ये दूसरी RCM बनने जाएगी, देखना। इसके अंदर से धीरे धीरे टॉप लीडर तो कमा जाएंगे, हो सकता है कल को उनको पार्टनरशिप मिल जाए या उनका कुछ शेयर मिल जाए। काफी लोग हंसेंगे कि भैया कैसी बातें कर रहे हो, होता है बॉस कंपनी में होता है। जो कंपनियां मर्ज होती है ना, आज वो फरीदाबाद वाली में मर्ज हुई है, उनका उसमें सैलरी भी मिल रही है, कुछ परसेंट शेयर भी है, राइट। इनका तो सेटिंग हो जाएगी, नीचे वाले मर जाएंगे बेचारे सारे, हम जैसे लोग, जैसे हम आज रो रहे हैं, आज परेशान है। और आप सभी लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज मैं परेशान हूं, कल को जो भी व्यक्ति, भैया मैं अभी भी बता रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को अपना जीवन बर्बाद करना है ना, करियर बर्बाद करना है डायरेक्ट सेलिंग में, वो ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके लाइफ केयर में आके काम करना और यहाँ पे बहुत मतलब बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। ये मार्केट तो बाद में बदलेंगे, पहले सब बदल देंगे, आपका चेक बदल देंगे, आपकी घर की परिस्थिति सब बदल जाएगी इधर आते ही। यहाँ पे जब मैंने सवाल किया कि एक भी ऐसा, सिंगल बता रहा हूं, एक भी ऐसा बंदा बताओ जिसे नेटवर्किंग का एन तक नहीं मालूम था और वो ओके लाइफ केयर में आके 50,000-1 लाख के पे आउट तक पहुंचा हो, तो इनका जवाब था बहुत से हैं। नाम पूछा, एक नाम लिया गया आदित्य कौल, राइट। आदित्य कौल सर, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। एक तरफ ऊपर से स्पिल आई थी, राइट, जिसमें नीचे
श्रीकांत सैनी जी काफी अच्छे लीडर हैं, उनसे भी मैं बातचीत करता रहता हूँ, उनसे भी मैं मिला हूँ राइट। और एक है नीचे एमएम खान जी, और दूसरी लेग में अजय शर्मा सर आए थे, तो इनकी तो कहानी बन पड़ी लीडर तोड़ अभियान राइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लीडर तोड़ अभियान कहा जाता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग को क्या इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ग्राहक सशक्तिकरण अभियान, यहां पे वो नहीं चल रहा है, यहां पे चल रहा है लीडर तोड़ अभियान। कैसे दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ना है, नए लोगों पे काम नहीं करना है इनको, इनको करना है दूसरी नंबर वन कंपनी के गोल्ड को ले आओ, टेबल पे बिठाओ, सेटिंग दो और उसको इधर ले आओ, से बोलो अपनी टीम इधर ले आ भाई। न जाने कितने सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज तो आप पूछो मत, बर्बाद हो गए यहाँ के, सिल्वर गोल्ड इतने बर्बाद हुए हैं, मतलब जितने आबाद है ना वो सिल्वर गोल्ड की जिंदगी बर्बाद करके आबाद है। सारे लोग इधर आते गए राइट मैनिपुलेशन में। और मैं ये नहीं कहता कि वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि इन लोगों के जो स्टार्टिंग में जो इन लोगों की आइडियोलॉजी थी, जो उनका कहना था, जो इन लोगों ने बोला था ना करने को कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया बॉस, ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, लोगों की जेब काटना जानते हैं, लोगों को इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया है राइट। मैं ओके लाइफ केयर अब नहीं करूंगा इससे आगे, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ओके लाइफ केयर छोड़ दूंगा। अभी हो सकता है ये लोग जो छोड़ के जा रहा है उसको तो ये गधा ऊंट इस तरीके की बातों से बोल रहे हैं, जो छोड़कर जा रहा है राइट, और जो इनके साथ आ रहा है वो राजा है, वो किंग है राइट, उसके तो स्टेटस लगते हैं, भले उसने कभी जिंदगी में एक रुपया ना कमाया हो, स्टेटस लग जाएगा फलानी कंपनी के बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं। और यहां से अगर कोई 1,50,000 की इनकम भी छोड़ के जा रहा है ना, तो इनके लिए वो चोर है, इनके लिए आ रहे उसने तो किया ही किया था राइट। तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि अगर आज भी ये सारी चीजों पे काम किया जाए, जो एक बेचारा स्टोर वाला परेशान है, आप कह रहे हो बॉस ई कॉमर्स, अगर आप स्टोर वालों की प्रॉब्लम समझ लोगे ना, लोगों ने जितना विश्वास करके ओके लाइफ केयर के स्टोरों पे पैसा लगाया ना, किसी स्टोर में पैसा नहीं लगाया राइट। अगर इस तरीके से आप विश्वास लोगों का कायम रखते ना, तो इतने स्टोर खुलते कि आज इंडिया में ये प्रॉब्लम ही नहीं आता कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा, इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपका जो मन करता है आप वो कर देते हो। आप ईशान म्यूजिक पब्लिक स्कूल नोएडा आए थे राइट, रेंज रोवर में बैठ के आए थे बॉस, बड़ा सेलिब्रिटी की तरह आना आपको बड़ा पसंद है। आप मैं ओखला में जब हम लोग थे क्राउन प्लाजा के अंदर, लोग आके आपके पैर छू रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, और आप उन्हें हटा रहे हो, ये कहां की इज्जत है? आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को हटा रहे हो जिसकी वजह से आप यहां पे पहुंचे हो, आज आपकी कंपनी यहां पहुंची है, ये क्या गलत है? ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो आप लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक एक लीडर को सम्मान देना चाहिए। कभी मैंने इतनी बार मैं एनएलपी में गया हूं, कभी भी किसी लीडर को मौका नहीं मिला कि स्टेज उसको स्टेज ये लोग शेयर करें, 3 लोगों में स्टेज खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर विक्रांत नरवाल, उनकी मैंने प्रोफाइल देखी सारी चीजें, समझ रहे हो, वो स्टेज पे आके ऐसे करते हैं ऐसे, कितने बड़े लीडर हैं लेकिन कुछ नहीं है वो राइट। उनकी डिग्रियां भी पता नहीं असली है नकली है, उस पर हम नहीं जाते। दूसरे नितिन चांदना सर, वो एक मैं मानता हूं उनको काफी नॉलेज है और उन्होंने काफी अच्छी कंपनी के साथ काम किया हुआ है। और दूसरे हमारे महान दुनिया के सबसे अच्छे सीईओ मिस्टर डी के सारन सर, इन 3 लोगों का ही स्टेज पे रहता है। अगर चौथा कोई व्यक्ति आता है तो उसको ऐसे कमर पे हाथ देके माइक लेने का इशारा कर दिया जाता है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब माइक दे दो, हमें बोलने दो, कंपनी हमारी भाई हम ही बोलेंगे राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी ओके लाइफ केयर करने की सोच रहा है या कर चुका है, अभी जस्ट जिसने ज्वाइन किया है, 1.5 साल बाद आज मैं वापस छोड़ रहा हूं इस कंपनी को, आपसे भी रिक्वेस्ट है बॉस अभी समझ जाओ राइट, अभी डिसीजन ले लो। अभी 1 महीना खराब हुआ है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है लाइफ में, गलतियों से हमें सीखने को मिलता है राइट। क्योंकि लीडर देखो कुछ और बोल रहा है, मैं जब तक पॉजिटिव था, जब तक मुझे एक उम्मीद थी कि ई कॉमर्स आएगा राइट, मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला अगस्त तक आप रुको रुको रुको, चीजें होंगी, बढ़िया होंगी, प्लान में चेंजेस आएगा, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आया। मैं जब ऑफिस में मिला हमारे जो सीईओ है उनसे मिला, जिस दिन उन्होंने मुझे बात कही कि अगर प्रोडक्ट भी कंपनी ही कस्टमर तक पहुंचा दे और ये सारी चीजें भी कंपनी करने लगे कि भैया जो प्रोडक्ट है ओके लाइफ केयर का वो ओके लाइफ केयर ही कस्टमर तक पहुंचा दे,
तो आप लोगों की यहाँ पे जरूरत क्या है? तो उस दिन मैं समझ गया कि नहीं, यहाँ पे काम करना बेकार है, यहाँ पे भविष्य बर्बाद है, राइट। उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब इस कंपनी को नहीं करना। लेकिन मेरे अपलाइन ने कुछ बातें बोली कि नहीं नहीं कुलदीप, हो जाता है कई बार। उन्होंने उस नजरिए से नहीं बोला, वो ऐसी जोक सपाट मजाक था, आप दिल पे मत लगाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से जहर का घूंट पिया। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो कुछ तो बोल दिया बोल दिया, चीजें सही करने की कह रहे हैं करेंगे। आपने ईशान म्यूजिक पब्लिक स्कूल में आए, आपने बोला कि भाई हम लोग उस रेंज पे काम करेंगे जिसमें कोई कंपनी ने किया ही नहीं, नमकीन लाएंगे, ऐसी चीजें लाएंगे, वैसी चीजें लाएंगे, बोला था ना आपने सर। आपने क्या बोला था, आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था सर, मेरे को याद है, आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर ना सर कैमरे बंद करवा देते हो, लोग वीडियो बनाते हैं सर, खुशी से लोग वीडियो बनाते हैं। पता है कोई भी इंसान जॉब कर रहा है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है, वो वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि यार मैं इस माहौल में देखो कितना खुश हूं, ऐसा है वैसा। लेकिन ये लोग कहते हैं, डीके सारन सर का कहना है कि भैया इसको बंद करो। फोटोग्राफर बनना है क्या या नेटवर्कर बनना है? और अगर वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है तो वो उसको वहीं पे उठा के जलील करके वहां से बाहर कर देते हैं। बॉस ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनकी इंटेंशन ये है कि भैया ये कुछ सीख ले, उनकी इंटेंशन ये है क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैं जो नेगेटिविटी बोल रहा हूं ना, ये अगर ये लोग बोले मार्केट में जाके तो ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे मुंह से लोगों तक जाएगा तो मेरी फेस वैल्यू खराब होगी। ये जब भी लाइव आते हैं ना, संतो जैसी बातें करते हैं। आज भी लाइव आए थे, आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सभी कंपनी में लोग आप कामयाब हो जाओ, पीठ पीछे आप गाली दे रहे हो, आईडी टर्मिनेट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि सभी कंपनियों से रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री को अच्छा करेंगे, सबसे ज्यादा तो आपने इंडस्ट्री को खराब कर दिया। आज वो लोग जो वेस्टिज छोड़ के आपकी कंपनी में आए, यहां भी बर्बाद हो गए, वो इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। अब आने वाले 10 से 20 साल बाद वो लोग क्या बोलेंगे, ये तो बेकार काम है, हमने भी किया था, राइट। तो ये चीजें सर आप ही लोगों की वजह से हुई है आज इंडस्ट्री जो इतना नेगेटिव हुई है, ये आप ही की देन है, राइट। आप सोशल मीडिया पे आके कुछ और बोलते हो और पीठ पीछे कुछ करते कुछ और हो। आपने वहां पे क्या बोला कि सर आपने जब हमारी कंपनी में जो टी था, चाय पत्ती थी, राइट, मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ लोग अभी बोलेंगे कि भैया ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये चाय पत्ती है, राइट, ये टी है हमारी कंपनी में। इसको आपने जब गई थी तो ये इसी पैकेजिंग में थी और यही क्वालिटी थी, राइट। आपने क्या बोला कि ये इसकी पैकेजिंग जो है वो चेंज होके आएगी। जिन लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है ना, वो इनके अकाउंट पे जाना, राइट। इन्होंने बहुत पोस्टर डाले हुए हैं, आप ढूंढना, माफी चाहूंगा, लगेंगे 10 मिनट, लेकिन मिल जाएगा। तीन तरीके की चाय पत्ती, एक भी नहीं, तीन। बॉस दो कहां है वो तो पता नहीं, शायद इन्हीं के घर पे होगी, ये यूज कर रहे हैं उसको, ज्यादा अच्छी होगी इसलिए हमें नहीं देना चाहते। ये जो तीसरी है ना, ये वही है, राइट। और इन्होंने इसमें कोई पैकेजिंग में चेंजेस नहीं करा। और ऊपर से वहां पे आके इन्होंने क्या बोला कि नंबर वन कंपनी वालों को बोल दो कि चाय पत्ती आने वाली है और एक चाय पत्ती तो 85 रुपए में आएगी, 84 में गई थी, 85 में आएगी। जबकि उस समय भी सवाल उठाए गए, सर मार्केट में ट्रेडिशनली महंगा हो गया, आप कैसे बात ये बातें कैसे कर रहे हो। बोलने लगे हम बता रहे हैं आपको, लाएंगे, डीके सारन नाम है, लाएंगे। और आज सर ये चाय पत्ती आई है ना, तो आप देख लो 120 रुपए में आई है। आप अपनी जुबान पे नहीं रहे। उस दिन भी आप कैमरे बंद करवा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया था, उनका आपने डिलीट तक करवा दिया। यार अचार आएंगे हमारी कंपनी में, कैसे अचार, और कौन से अचार आएंगे जिसको खा के लोगों की बीमारियां दूर होंगी। अचार तो आपने बना दिया। यहां पे सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और सब तक पहुंचाओ। इस ऐसी कंपनियों की सच्चाइयां लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर बॉस पीठ पीछे ना सेटिंग होती है सारी। मैं सोनम मैम से मिला, मेरे अपलाइन थे, उनका उन्होंने घर लिया था नोएडा में, वो काफी अच्छे इंसान है, उन्होंने नोएडा में घर लिया और उन्होंने भी काफी चीजें बोली कि ये सुधार होना चाहिए, ये कुछ नहीं सुनते ये लोग, अच्छे लोगों की तो सुनते ही नहीं है ये, जो इनकी बातों में जो चापलूसी करते हैं ना, इनकी बातों में हाँ पे हाँ मिलाएगा, ये उसी को अपने साथ बुलाएंगे, टेबल में बिठाएंगे। जो व्यक्ति थोड़ा भी कुछ सच्चाई बता रहा ना, क्योंकि सच हमेशा सर कड़वा होता है, तो ये उसको कहते हैं नेगेटिव हो गया, इसे बाहर भगाओ। तो वहां पे मैम क्या कहती है कि भैया आप अपनी जिस टीम से आए हो उसको तोड़ क्यों नहीं रहे हो, उसके अंदर आप डिस्टर्बेंस क्यों नहीं पैदा कर रहे हो, राइट। तो इनके अंदर ये चीजें, एक तरफ सीईओ कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को हमें बचाना है, इंडस्ट्री को हमें ग्रो करवाना है,
इंडस्ट्री को हमें बहुत आगे ले जाना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लीडर को तोड़ो, मेरे पास लाओ टेबल पे रोहतक। ओके लाइफ केयर के लीडर क्या कहते हैं, सर रोहतक आओ, रोहतक करेंगे बात टेबल पे, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के फिर बातें होंगी, राइट। वहां पे प्लान डिस्कस नहीं होता, वहां पे जो डिस्कस होता है वो आप लोग समझदार हो समझ गए होंगे, वहां पे ये डिस्कस होता है। जितने भी लोग अभी अर्निंग कर रहे हैं यही लोग वाहवाही कर रहे हैं, और जितने लोग बेचारे नीचे वो सारे पिस रहे हैं। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं जिस व्यक्ति को बर्बाद होना ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, जिसका मन उब गया, अब उसे लगता है कि भैया बहुत हो गया, जिसकी कहते हैं ना वो ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर ले, राइट। अगर आपको ग्रो करना है ना तो ओके लाइफ केयर मत आना दोस्त, और एक जो फरीदाबाद वाला अभी नया ओके लाइफ केयर पार्ट टू चालू हुआ उसमें भी मत जाना, उसके अंदर सेटिंग है, उसके अंदर सारा पैसा चल रहा है, उसके अंदर अभी ओके के अंदर तो चलो एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो जो चीज गलत है वो मैंने आपको बताया, जो चीज अच्छी है कि हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं थी, जिस वजह से आदित्य कौल सर के नीचे अजय शर्मा सर आए, और कहीं ना कहीं अजय शर्मा सर ने भी मतलब एक बड़प्पन दिखाया कि उनके डाउन में जाके ज्वाइन हुए, जबकि मैं देख रहा हूं आजकल लीडरों में तो बड़ा ईगो है। वहां पे उस कंपनी के अंदर पूरी सेटिंग है, हेलीकॉप्टर एंट्री दबा के मिल रही है, राइट। हेलीकॉप्टर एंट्री कैसे मिल रही है पता है, स्ट्रक्चर होता है ना जो लेफ्ट राइट, उसमें डमी आईडी लगा दी जाती है, उसमें आप जाओ बात करो, सेल पे 25% की सेटिंग मिल रही है कि इतना टर्नओवर दोगे तो 25% ले लेना, राइट। और वो आईडी एक्सचेंज करके आपके नाम पे कर दी जाएगी, नाम नहीं लूंगा कंपनी का क्योंकि बहुत से लोग फिर मुझे बोलेंगे भाई आपने पोल खोल दी, राइट। लेकिन समझने वाले समझ गए, जो भी फरीदाबाद जा रहा है सेक्टर 28 वो ध्यान में रखे, राइट। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने लानी चाहिए। मुझे पता है बहुत से लोग मुझे गालियां भी देंगे, भाई सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही है कि जो बातें बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, पहले जो सच्ची चीजें लगी वो मैंने किया, आज तक किसी व्यक्ति से बल्क बाइंग नहीं करवाई, किसी भी व्यक्ति के पैसे नहीं मारे, आज अगर प्रॉब्लम में है किसी को परेशान नहीं किया। आज बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, मैं परेशान हूं, ये वीडियो मैं नहीं बनाता बॉस, इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि जो नए व्यक्ति इस जाल में फंसेंगे ना वो बच जाएं, वो एटलीस्ट मेरा ये वीडियो देख के समझ जाएं कि भैया इन चीजों में मत पड़ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही बोल देते हैं, तो मैं आपको अगेन फिर दिखा देता हूं, मेरे पास स्टोर है भाई, 5 लाख का मैंने स्टोर लिया था, ये देखो आप पोस्टर लगे हुए हैं, ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, राइट, जो कि अब सब बेकार हो गई, इन लोगों के वादे नियत सब बदल चुकी है, राइट। और अभी मैं जिस कंपनी की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं वो भी आपको बता देता हूं, बहुत से लोग कहेंगे कि भैया क्या आपने शुरू करा, सर मैं वापस से वेस्टीज ज्वाइन कर रहा हूं, राइट। सभी तमाम उन वेस्टीजियों से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं आप जहां पे हो बहुत सिक्योर हो, राइट, इस कंपनी को मत छोड़ना बॉस। गौतम वाली सर की जो नीयत है वो किसी की नहीं है, 1.5 साल में हमने समझ लिया है, राइट। जो आपकी डाउनलाइन जा रही है ना उसको मेरा वीडियो भेज देना, उसको बता देना ये कुलदीप जोशी है, राइट, इन्होंने काम किया 1.5 साल, अचीवमेंट भी लिया, और उसके बाद आज यहां से परेशान होकर छोड़ रहा हूं, ठीक है। यहीं तक था, आप लोगों को शेयर करना, ठीक है, आप लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग अभी मार्केट में नए हैं, जिन्हें बरगलाया जा सकता है, राइट। जैसे झूठी प्रोफाइल प्रमोट की जाती थी, फन वैली हमारा है, सिनेमा हमारे हैं, फन वैली तो हमारा था ही नहीं, सिनेमा कब के बंद हो चुके थे, प्रमोट करवाया जा रहा है। जिस दिन मैं ऑफिस गया मैंने जाके देखा सारा तामझाम बंद है, मैंने कहा ये तो गलत है, जैसे पूछा तो बोला टेंशन ना लो, जो बुकलेट होती है ना उससे हटा दिया उसको हमने। तो क्या किया सर उसकी जगह जो अब ये झूठ फैला फैला के लीडर बड़े थे ना, इनके पे आउट डाल दिए कि ये इतने कमाता है, इतने 20 लाख कमाने वाले इतने हैं, 40 लाख वाले इतने हैं, 1 लाख वाले इतने हैं, जो कि झूठ है, इतने थे भी नहीं, राइट। अंगुली पे गिनोगे तो अंगुली पे आ जाएंगे। ये चीजें इन लोगों ने करी है, प्रोफाइल को धीरे धीरे कैसे साफ कर दिया। बहुत से अभी लोग हैं, जो लोग अभी कमा रहे हैं वो कभी नहीं बोलेंगे और ना आपको बताएंगे, वो लोग हमेशा अच्छी बातें करेंगे कि पॉजिटिव रहो, ये तो बंदा नेगेटिव था इसलिए चला गया ये, राइट। और मैं अभी इस कंपनी को छोड़ के वापस से वेस्टिज की शुरुआत कर रहा हूं, और जो मेरे अपलाइन है मिस्टर सोनू शर्मा सर, मैं TSS के अंदर वापस से शुरुआत करने जा रहा हूं गौतम ब्रदर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छे मेरे ग्रेट अपलाइन है, और यूं कह सकता हूं कि
मेरे सबसे बहुत बढ़िया मेंटर हैं जिन्होंने मुझे समझाया, मैं उनके साथ बैठा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, जो मेरे लिए अपलाइन मेरे गुरु मेरे बड़े भाई की तरह हैं, राइट। उन्होंने बहुत लोगों को उठाया है। जब मैंने छोड़ा था तो दो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरा और उनका पे आउट बराबर था। आज वो व्यक्ति का पे आउट 1.5 लाख पे है और आज मैं कंपनी ढूंढ रहा हूँ दोबारा से। तो आप सोच सकते हो बॉस, अगर मैं फिर से कोई फरीदाबाद वाली में मेरी आईडी लगी है, राइट, अपलाइन ने लगा दी आईडी, मैंने जाके एक्टिव भी करी आईडी, ऐसा नहीं है मैंने एक्टिव नहीं करी, राइट। मैं झूठ कुछ नहीं बोलूंगा, आपसे सच्ची बातें आपके आगे रखना चाहता हूँ। अब जो गाली दे वो दे, जो मेरी बातों को समझ रहा है वो समझेगा। बहुत से लोगों को, टीम को मेरे पे भरोसा है तो उन्होंने डिसीजन मेरे जो मैंने लिया वही लिया है। फरीदाबाद गए, वहां पे देखे, बैठे, हाथ जोड़े अगेन एमडी ने, बहुत अच्छा सब कुछ लगा। 2 दिन में सच्चाई सामने मेरे आ गई, जैसे ही एक बहुत बड़े लीडर आए उसके अंदर, देखा हेलीकॉप्टर एंट्री मिल गई है, चीजें देखी, फिर अपलाइनों का पता चला, अपलाइन को भी हेलीकॉप्टर एंट्री थी। मतलब हम ही बेवकूफ हैं, हम लोग क्यों साथ दे रहे थे आज तक, क्योंकि हमें लगता था कि हमारी तो अपलाइन सच्ची है, बाकी जो जैसी है छोड़ो उनको। लेकिन पता चला कि बॉस जिनको आदर्श माना था ना, वो भी सच्चे नहीं निकले। बहुत दिल टूटा। फिर मैंने डिसीजन लिया, भाई अब नहीं करना, एथिकल कंपनी करनी है। ये एथिकल लगी इसलिए आईडी लगाई, ग्रीन भी करी आईडी, राइट। एथिकल कंपनी नहीं है बॉस, वो सारा सेटिंग खर्चे पानी से काम चल रहा है वहां पे। 6 लाख का प्लान था उस कंपनी का, पहले 6 लाख का प्लान था, ओटलर आई मर्ज हुई, 2 लाख पे करवा दिया। अब वो भी चेंज होगा, टेंशन ना लो, लीडर कमा जाएंगे, जो अभी जा रहे हैं वो कमा जाएंगे। आपको भी जाके जल्दीबाजी में थोड़ा कमाना है तो आप भी जाओ, कल को फिर से तैयार रहना नई कंपनी ढूंढने के लिए। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने जब वेस्टीज जैसी एक बहुत अच्छी कंपनी को छोड़ा था तो मेरा उस समय, मेरा और मेरे साथ के जो क्रॉस लाइन थे उनका पे आउट लगभग बराबर था, राइट, गोल्ड का लेवल था। और उस समय पे जब छोड़ा था तो आज उनका पे आउट लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच है, और आज मैं, सच्चाई है कड़वी है, फिर से कंपनी ढूंढ रहा हूं। और मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि यदि मैं फिर से फरीदाबाद वाली जाता हूं तो मैं गारंटी दे सकता हूं बॉस, फिर से मैं कंपनी ढूंढूंगा 1.5-2 साल बाद, और वो क्रॉस लाइन जो मेरे थे वो 2-2.5 लाख पे पहुंच चुके होंगे और मैं कंपनी ढूंढ रहा हूंगा। ये मेरे को अब नहीं करना, मेरे साथ एक बार मैंने भरोसा करके देख लिया, किसी भी नए मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। ये रिस्क मत लो कि भैया ये कह रहा अच्छा करूंगा तो करेगा, बाद में एमडी की नीयत बदल जाती है। बॉस मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, जब देखो, अगर सपोज करो आप और मैं कंपनी खोलते हैं तो प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि मार्केट में सारे प्लानों को वो वहां के लोगों को तोड़ के ला सके। वो मेरी मजबूरी है, समझ रहे हो, कि कोई लीडर मेरी कंपनी में आए, मैं दिखाऊं भैया तेरे से बेहतर मेरा है, तेरे से बेहतर प्रोडक्ट मेरा है, तेरे से ज्यादा मैं बांटता हूं। लेकिन एक टाइम पे जब बांटते बांटते जब कंपनी को लॉस होता है ना 2 लाख में, तो कंपनी क्या करती है, या तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है, या वो प्रोडक्ट हटा देती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कम कर देती है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हम सारे इस कंपनियों के अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, ये तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक दो कंपनी ने प्रूव किया है, राइट। बाकी कंपनियों के लिए तो हम लोग, भैया मैं सच्चाई बता रहा हूं, एक कमीशन बेस्ड सेल्समैन है। मालिक जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। आज मालिक ने देखो चेंज कर दिया, उसको करना था, किसी से नहीं पूछा, राइट। तो यही चीजें बताना चाहता था आपको। मैंने वेस्टीज परिवार में वापस से ज्वाइनिंग करी है और तमाम उन वेस्टीजन को हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भैया वेस्टीज एक बहुत बढ़िया कंपनी है और इस कंपनी का साथ भूल के भी मत छोड़े, राइट। जो भी सोच रहा है ना वेस्टीज छोड़ने का, मत छोड़ना बॉस। जहां पे कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, स्टेबल कंपनी है, और आने वाले टाइम में यदि खुदा ना खास्ता किसी को कभी कुछ ना हो, भगवान की दुआ से सब खुश रहे, लेकिन हमें कुछ होता है ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ये नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस जाएगा सिर्फ एक कंपनी में, वो वेस्टीज है। बाकी कंपनी में आईडी हट जाती है, जो अपलाइन होता है ना वो अपने रिश्तेदार की आईडी लगा देता है वहां पे। मैनेजमेंट को कॉल जाता है, सेटिंग होती है कि मेरा ये भतीजा भतीजी इसकी आईडी लगा दो, चेंज होके पैन कार्ड सब चेंज हो जाता है। गाजीपुर में है मेरी जान पहचान में एक, उनके साथ हो चुका है ऐसा दूसरी कंपनी में, राइट। तो ये चीजें होती हैं, अगर सिक्योर करनी है ना नेक्स्ट जनरेशन, तो फिर वही करो भैया, वेस्टीज नंबर 1 है और इसी को करें। जो साइड लेग मेंटेन का जो रोना रो रखा है ना, इसे दिमाग से निकाल दो। दोनों लेग हम बाइनरी में आके चलाते हैं, 2 लेग जनरेशन में भी 2 लेग आप चलाओगे। जो टर्नओवर आप 2 लेग पे दोगे ना, मेरे साथ ऑन टेबल बैठ जाना आप, मल्टी लेग में उससे 2 गुना का चेक होगा। और सबसे मजे की बात है, आपकी डाउनलाइन में भी लोगों के बड़े चेक होंगे।
ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। दो लेग में सिर्फ वो व्यक्ति, मैं आज भी आपको साबित कर सकता हूं कि मैंने कभी भी अपलाइन की वजह से काम नहीं किया कि अपलाइन एक लेग चला के दे दे। और दो लेग में सबसे ज्यादा जाने वाले वो लोग हैं जो लंगड़ी टांग खेलना चाहते हैं, जिन्हें चाहिए कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा, दूसरी कंपनी में जाएंगे, एक पावर मिल जाएगी और एक हम चला लेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इन चक्करों में ना पड़ो, वेस्टेज जो है उसे करिए दिल और दिमाग खोल के, और बहुत बढ़िया किया जा सकता है। ये सब गलत बातें, मार्केट में अभी बहुत बड़ा है, राइट, हम लोग सब मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से अलविदा चाहूंगा, वापस से ज्वाइन किया है, और मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर, और मेरे जो अपलाइन है मिस्टर गौतम बदर, मेरे जो अपलाइन है ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित कुमार गौतम एंड मिस्टर अनिल कुमार गौतम, उनके साथ में फिर से शुरुआत करने जा रहा हूं, और बहुत जल्दी अचीवमेंट के साथ मिलूंगा। और आप सभी लोगों से, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं और बता रहा हूं, वादा कर सकता हूं कि मल्टी लेग में वेस्टिज के अंदर बहुत बढ़िया किया जा सकता है। बॉस, जिस कंपनी को 16 साल तक प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इकलौती कंपनी थी, गाइडलाइन आने पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, राइट, सोचो क्या मिशन होगा उन लोगों का। 10 साल 20 साल की प्लानिंग अभी से कर रखी होती है उन्होंने, तो उस कंपनी के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए, और हमारा फ्यूचर उसी कंपनी में बड़ा बन सकता है, आने वाला यूथ सिक्योर हो सकता है। आप दावा ठोक के कह सकते हो ये कंपनी में हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। सॉरी, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से यही सारी जो मेरी बातें थी आपके सामने रखना चाहता था। जिस किसी को भी मेरे साथ ज्वाइन करना है, मेरा नंबर प्रोफाइल में ऑलरेडी है, मैं अभी टीम सोनू शर्मा के साथ, सोनू सर मेरे सेकंड अपलाइन है, उनके साथ शुरू करने जा रहा हूं, और मेरे साथ डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। जो लोग दो लेग में परेशान है, मेरे से बेहतर कोई नहीं समझेगा बॉस, मैं सारी चीजें देख चुका हूं, ये सेटिंग वगैरह सब, दो लेग में क्या बवाल है सारा, राइट। जो भी परेशान है वो मेरे को कॉल कर सकता है, मेरे भाई मिलके शुरुआत करेंगे, मेरा वादा है, मैं आपको एक बॉटम में जाके फील्ड पे जाके भी सपोर्ट करूंगा, ये मेरा वादा है, ऑन वीडियो बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। सबको नमस्कार, विश यू वेल्थ, बाय बाय।